यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन की हद में हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी आजम भूरिया और एक नाबालिग ने आकाश कावली नामक युवक को चाकू से गोद दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन की हद में रानी दुर्गावती परिसर में जख्मी आकाश के पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं। घटना के दिन आकाश के पिता और आरोपी आजम भूरिया और साथ ही नाबालिग की किसी कारणवश कहासुनी हुई और हाथापाई होने लगी, जिसके बीच बचाव करने गया तभी नाबालिग आरोपी ने आकाश पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। इस बीच दूसरे आरोपी आजम ने भी उस पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रानी दुर्गावती चौक में जो जख्मी है आकाश कावड़े करके, उनके पिताजी नामदेव कावड़े ये भाजीपाला विक्री का व्यवसाय करते हैं। उसी रात वो जो एक विधि संघर्ष कर बालक और दूसरा एक आरोपी आजम भूरिया, ये दोनों उसके पिताजी को गाली गलौज कर रहे थे, इसलिए वो छुड़ाने के लिए गया आकाश कावड़े। उस टाइम पे उसी वक्त जो विधि संघर्ष बालक ने आकाश कावड़े के ऊपर चाकू से हमला करके जान लेने की कोशिश की। साथ में आजम भूरिया इन्होंने भी आकाश कावड़े को मारा। दोनों हमारे ताबे में है, एक का पीसीआर लिया है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसमें एक विधि संघर्ष का बालक है जो मेन, उन्होंने चाकू मारा है, और दूसरा उसके साथ में आजम और भूरिया अंसारी, ऐसे दो जना है। नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है। जो जख्मी है उसके पिताजी के साथ वो गाली गलौज कर रहे थे, इसलिए वो छुड़ाने के लिए गया, उसकी वजह से उन्होंने चाकू से मार दिया। और दोनों का भाजीपाले का व्यवसाय है, लेकिन इसमें अभी तक इतना ही रीजन मालूम है, इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चलेगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।